हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 10 मार्च। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 10 मार्च 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। इस वीडियो के पीडीएफ फाइल और डिटेल्स के साथ क्विज मिलेगी आपको हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए और इस ईबुक का, क्विज का, पीडीएफ का सबका फायदा उठाइए। बात करेंगे अब लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का मेरा पहला क्वेश्चन था आपसे, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? तो वो है रमेश पवार। पुरुष टीम के राहुल द्रविड़। पुणे मेट्रो रेल परियोजना की लंबाई कितनी है? तो कुल परियोजना की लंबाई है 32.2 किलोमीटर। अब बात करेंगे आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन, हाल ही में धूम्रपान निषेध दिवस कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में धूम्रपान निषेध दिवस दोस्तों 9 मार्च को मनाया गया है। वैसे ये 9 मार्च को हर बार नहीं मनाया जाता, ये मार्च महीने के सेकेंड वेडनेसडे को मनाया जाता है, सेकेंड बुधवार को। ठीक है, दूसरे बुधवार को मनाया जाता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो अभी दूसरा बुधवार कब मिला पड़ा था? 9 मार्च को। देखिए यहाँ पर 11 मार्च लिखा है, शायद पिछले साल की इमेज है, 9 मार्च को याद रखना है। ठीक है ना, दूसरे बुधवार को ही मनाया जाता है और इस बार ये पड़ा था 9 मार्च को। 1984 से इसकी शुरुआत हुई, यूनाइटेड किंगडम ने पहली बार मनाया हुआ था। धूम्रपान के दुष्प्रभाव जो होते हैं उसके बारे में अवेयरनेस फैलाना और लोगों को समय पर इसे क्विट करने के लिए प्रोत्साहित करना। ओके अच्छा, ऐसे ही विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया 31 मई। ये तो प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, ये तो आपको याद ही होगा। इसके अलावा मैंने आपको बताया था WHO के बारे में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दोस्तों क्विट टोबैको ऐप लॉन्च किया था, क्विट टोबैको ऐप लॉन्च किया था। ये ऐप याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा गया था अभी एक। ठीक है ना, तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग मार्च मंथ के अभी तक कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस है। 1 मार्च को दोस्तों विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया, साथ ही साथ जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे भी मनाया गया और 1 से 7 मार्च के बीच में जन औषधि सप्ताह दिवस मनाया गया, जिसमें 7 मार्च को जन औषधि दिवस के रूप में हम लोग कहते हैं। ओके, 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस, जिसे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कहा गया, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, नेशनल सेफ्टी डे मनाया गया। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, जिसकी थीम इंपॉर्टेंट है, जेंडर इक्वलिटी टूडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, प्रतिबंध निगरानी सूची साइट कैस्टमलेस AI के अनुसार दुनिया का सबसे प्रतिबंधित देश कौन बना? तो दुनिया का सबसे प्रतिबंधित देश दोस्तों रसिया आज के टाइम पर बन गया है, आप जानते ही हो। रसिया पर लगातार सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं US के द्वारा, UK के द्वारा, इसके अलावा और भी बहुत सारे जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके द्वारा लगातार सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं। तो अभी एक रिपोर्ट आई है इस पर कि वर्ल्ड मोस्ट सैंक्शन कंट्री अब बन गई है रसिया। देखिए यहाँ पर फरवरी के बाद, फरवरी 2022 के बाद देखो यहाँ से ये ग्राफ यहाँ तक पहुँच गया है। पहले 3000 के आसपास पर इसके सैंक्शन लगे हुए थे रसिया पर, लेकिन अब यहाँ पर देखिए लगभग 5500 के आसपास में सैंक्शन लग गए हैं। इससे पहले सबसे ज़्यादा सैंक्शन वाला देश था ईरान, फिर सीरिया था। ठीक है ना, मतलब रसिया तब भी दूसरे स्थान पर था, लेकिन अब रसिया हो गया है टॉप पर, सेकेंड पर ईरान, थर्ड पर सीरिया, नॉर्थ कोरिया, इसके बाद वेनेजुएला, म्यांमार, क्यूबा, ये सब देश हैं। ओके, तो इसे कैस्टलम AI के द्वारा जारी किया गया है रिपोर्ट। इसमें बताया गया है कि फरवरी के बाद से, 22 फरवरी के बाद से, यानी जब रसिया ने यूक्रेन पर हमला करना शुरू किया, उसके बाद से 2754 प्रतिबंध बढ़ गए हैं, जिसमें स्विफ्ट सैंक्शन भी है, स्विफ्ट सैंक्शन भी है। ठीक है ना, और इसके अलावा तेल गैस का भी अभी एक न्यूज़ आई है, इसको कल मैं आपको जरूर बताऊंगा क्योंकि इम्पोर्टेंट है। अमेरिका ने तेल और गैस के भी आयात निर्यात पर, मतलब व्यापार पर, उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। और मैंने आपको बताया था एक वीडियो बना करके कि रूस पर गैस पर अगर प्रतिबंध लगाया जा रहा है तो इससे रूस का कम, यूरोपीय देशों का ज़्यादा घाटा होने वाला है। क्यों? क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज में दोस्तों गैस सप्लाई होती है रसिया से, और वो यूरोपीय जो देश होते हैं ना, वो बहुत ठंडे देश होते हैं, तो वहाँ पर घरों को गर्म करने के लिए वो गैस यूज की जाती है, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा लॉस वहाँ पर भी हो रहा है। अभी आगे मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा, G7 समिट इसी के लिए ऑर्गेनाइज करी गई है। ठीक है ना, कि क्या क्या घाटा हो रहा है, कृषि में भी बहुत सारा घाटा हो रहा है। तो ये ऐसा नहीं है कि केवल रूस पर भी इफेक्ट देखने को मिलेगा, इफेक्ट पूरी दुनिया को देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट इंडिया को देख लो,
इंडिया का शेयर मार्केट पूरा गिर रहा है, बहुत तेजी के साथ गिर रहा है, चाहे वो एनएससी हो चाहे बीएससी हो। इसके अलावा बहुत सारी चीजें महंगी हो रही हैं, क्रूड ऑयल्स महंगे हो रहे हैं। ओके, तो पूरी दुनिया को कोई भी युद्ध होता है, किसी दो देश के बीच में, अगर दो बड़ी इकोनॉमी के बीच में अगर युद्ध हो रहा है, तो पूरी दुनिया को उसका अंजाम भुगतना पड़ता है। फिलहाल यहाँ पर आप ये क्वेश्चन समझ गए हैं। रशिया के बारे में जानिए, रशिया आप मैप में देखेंगे तो यहाँ पर है वर्ल्ड मैप में, यूक्रेन यहीं पर छोटा सा एक देश है, ठीक है ना। मॉस्को यहाँ की राजधानी है, मिखाइल भी मिसुस्तनी प्राइम मिनिस्टर, व्लादिमीर पुतिन यहाँ के हैं प्रेसिडेंट, रूबल यहाँ की करेंसी है, और आज के टाइम पर रूबल जो है बहुत तेजी से डाउन होती जा रही है, कारण वही मैंने आपको बताया, दुनिया भर के सैंक्शंस लगना। ड्यूमा यहाँ की संसद का नाम है। अगला देखते हैं, हाल ही में किस देश को लोकतंत्र और मुक्त समाज के मामले में आंशिक रूप से मुक्त घोषित किया गया है? तो अभी हाल ही में भारत को दोस्तों लोकतंत्र और मुक्त समाज के मामले में आंशिक रूप से मुक्त देश घोषित किया गया है। यह है नेशनल फ्लैग अपना। चलिए, तो अभी ये फ्रीडम हाउस नाम का एक एनजीओ है, अमेरिकन एनजीओ है, एनजीओ मतलब नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इसने दोस्तों अभी फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट 2022 जारी की है। इसने भारत को अनुवांशिक रूप से मुक्त स्थान वाली कैटेगरी में शामिल किया हुआ है। देखिए, पिछली बार जो था, पिछली बार भी सेम ऐसे ही था, लगातार 2 वर्ष से, लगातार दूसरे वर्ष भारत आंशिक रूप से मुक्त यानी कि पार्शियल फ्रीडम जिसे कहते हैं, उस लिस्ट में है। अच्छा, इसके पहले अगर बात करें 2020 में, 2020 में तो 2020 में भारत मुक्त रूप से स्थान में पाया हुआ था, ठीक है ना। 2020 में अच्छा स्कोर था, 71 का स्कोर था आउट ऑफ 100। इस बार देखिए 66 स्कोर है, पिछली बार 67 स्कोर था, लगातार स्कोर गिरता जा रहा है। लोकतंत्र और मुक्त समाज के मामले में आंशिक रूप से इस बार भी पार्शियली फ्री कहा गया है, ठीक है ना। तो जब ये 2020 में था, तो 2020 के टाइम पर भारत जो है वो फ्री वाली कैटेगरी में था, इस बार पार्शियली फ्री की कैटेगरी में है। इस रिपोर्ट का पूरा नाम क्या है? फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2022, द ग्लोबल एक्सपेंशन ऑफ अथॉरिटी एंड रूल। ओके, अच्छा, फ्रीडम हाउस एक एनजीओ है, एनजीओ से मुझे याद आ रहा है, अभी अभी मैंने कल शाम वाले भंडारा वाले क्लास में आपको बताया था कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे मिला, तो रिवाइज कर लीजिएगा, प्रथम नाम का एनजीओ है, प्रथम नाम का एनजीओ तो उसको मिला इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है ना। प्रथम जो है ये एनजीओ का नाम है। अगला, हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों FATF को मिल गया है नया अध्यक्ष। अभी तक आप मार्कस प्लेयर को याद करते थे, अब से आप याद करेंगे टी राजा कुमार को। टी राजा कुमार होंगे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष, यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहे हैं। अच्छा, टी राजा कुमार जो है ना, ये नाम से तो इंडियन लग रहे हैं लेकिन है सिंगापुर के, ठीक है। तो इनको अगले 2 वर्षों के लिए नियुक्त किया गया है, डी मार्कस प्लेयर की जगह पर ये आएंगे और FATF के ये अध्यक्ष होंगे। FATF के बारे में मैंने आपको वीडियो भी बना करके बताया था, अभी उस दिन भी इसके बारे में अच्छे से चर्चा की गई थी। FATF होता क्या है? FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये दुनिया भर में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो ये देखती है कि कौन सा देश टेरर फंडिंग को बढ़ावा दे रहा है, किस देश में कितना ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, तो इसको कैसे कंट्रोल में लाया जाए। तो इसके लिए ये मीटिंग होती है समय समय पर, और इसमें 39 सदस्य देश भी हैं। अच्छा, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और एंटी टेररिज्म के लिए ऑर्गेनाइजेशन है ही, इसमें लिस्ट भी होती है, ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट, व्हाइट लिस्ट। तो जो अगर देश होता है और जिसको वॉच लिस्ट में डाल दिया जाता है, वो होता है ग्रे लिस्ट। तो ग्रे लिस्ट में इस बार यूएई को भी शामिल कर दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। पाकिस्तान तो वहां पर मतलब कि सदाबहार वाला देश है, पड़ा ही रहता है, यूएई इस बार भी शामिल हो गया, तो ये बड़ी न्यूज है, ठीक है। और इसके अलावा ब्लैक लिस्ट में अगर बात की जाए, तो ब्लैक लिस्ट में 2 देश पड़े हुए हैं, कौन कौन से? ईरान और उत्तर कोरिया, तो ये ब्लैक लिस्टेड कंट्री हैं। अगर कोई देश ब्लैक लिस्ट में चला जाता है, तो इसका मतलब वहां पर उसे एक तो किसी से कहीं से लोन नहीं मिलेगा, कोई विदेशी कंपनियां वहां पर इन्वेस्ट करने से बचेंगे, वहां की इकोनॉमी ऐसे ही धराशायी होती चली जाएगी। अगर कोई देश ग्रे लिस्ट में है, तो इसका मतलब है कि वो अपने देश में आतंकवाद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, वहां पर कुछ ऐसे एक्शंस हो रहे हैं जहां पर मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, तो उनकी सरकार को चेतावनी दी जाती है कि भैया आप कंट्रोल करो, ठीक है ना। और ब्लैक लिस्ट का मतलब यही हुआ कि आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, आपके बस की बात नहीं है, और आपको हम ब्लैक लिस्ट कर देते हैं, अब आपकी इकोनॉमी वैसे ही खत्म हो जाएगी। FATF की स्थापना 1989 में हुई थी, पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सैन्य उपग्रह नूर 2 का सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो नूर 2 सैटेलाइट जो है सफलतापूर्वक लॉन्च की गई है ईरान के द्वारा। नूर 2 ये दूसरा इसका सैन्य उपग्रह है, इससे पहले इसने नूर 1 या कहें कि नूर लॉन्च किया था। तो पहले तो नूर लॉन्च किया था, अब नूर 2 लॉन्च किया हुआ है, ये इसका मिलिट्री सैटेलाइट है। काम क्या करेगा?
मिलिट्री यूज करेगा, मिलिट्री के लिए यूज में आएगा, और ये लोअर ऑर्बिट में ही छोड़ा गया है, यानी 500 किलोमीटर के ऑर्बिट में छोड़ा गया है पृथ्वी से। तो अर्थ ऑब्जर्वेशनल टाइप का होगा, और मैंने आपको कई बार बताया है कि अर्थ ऑब्जर्वेशनल टाइप का सैटेलाइट जो होता है यही मिलिट्री सैटेलाइट के रूप में ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि ये बाकायदे नक्शा वगैरह बताता है मिलिट्री को कहाँ कहाँ पर कैसे जाना है, उनको डायरेक्शन वगैरह भी देने में ये काम आता है। इससे पहले जो लॉन्च किया गया था वो 425 किलोमीटर के रेंज में लॉन्च किया हुआ था, ठीक है ना। तो अभी वाला 500 किलोमीटर के ऑर्बिट में लॉन्च किया गया है, लोअर अर्थ ऑर्बिट में। नूर का वैसे फारसी भाषा में मतलब होता है प्रकाश, लाइट। ओके, अब ईरान आया है। ईरान अगर मैप में आप देखना चाहोगे तो एशिया का मैप आपको ये दिख रहा है, यहाँ पर अपना प्यारा भारत है, यहाँ से आप पाकिस्तान क्रॉस करोगे, अफगानिस्तान क्रॉस करोगे, और ये जो देश दिखेगा ये बड़ी सी कंट्री, ये है ईरान। ईरान की राजधानी होती है तेहरान, ईरान की राजधानी तेहरान। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? इब्राहिम रईसी। इब्राहिम रईसी का नाम याद रखना है, इब्राहिम रईसी। इसके अलावा यहाँ की मुद्रा क्या है? यहाँ की मुद्रा तोमान हो गई है। पहले क्या थी? पहले आप कमेंट करके बताओगे पहले क्या थी मुद्रा और अब कौन सी मुद्रा हो गई है। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया? तो अभी हाल ही में दोस्तों संस्कृति मंत्रालय के द्वारा और कपड़ा मंत्रालय के द्वारा मिल करके, कपड़ा मंत्रालय, ये दोनों मंत्रालय मिल करके अभी झरोखा नाम का आयोजन किए हैं। एक अखिल भारतीय कार्यक्रम है ये झरोखा। कब शुरू किया गया, कब लॉन्च किया गया, आयोजित किया गया? इंटरनेशनल विमेंस डे के दिन। कब होता है ये? 8 मार्च को होता है। तो झरोखा ये कार्यक्रम अभी आयोजित किया गया, जो कि पारंपरिक भारतीय जो हस्तशिल्प है, हस्तकरघा है, और कला और कल्चर है, इसको बढ़ाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, ये जश्न मनाने के लिए आयोजित किया गया था। कहाँ पर? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर, जो कि भोपाल में है, मध्य प्रदेश में। नाम याद होगा ना रानी कमलापति? हबीबगंज रेलवे स्टेशन आपने सुना था, हबीबगंज रेलवे स्टेशन। तो इसी का नाम बदल करके, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन किया गया था। और मैंने आपको बताया था भारत का ये ऐसा एक लौता स्टेशन है जिसमें एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं हैं, एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं वाला ये पहला बना था, यानी सबसे एडवांस ये रेलवे स्टेशन है। हबीबगंज भोपाल मध्य प्रदेश में है, नाम अभी बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन किया गया है। फिलहाल इस प्रोग्राम का पूरा नाम है झरोखा भारतीय हस्तशिल्प हस्तकरघा कला और संस्कृति का संग्रह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2022 में G7 कृषि मंत्रियों की आभासी बैठक की मेजबानी कौन किया? तो दोस्तों G7 की कृषि मंत्रियों की आभासी बैठक की मेजबानी किया जर्मनी ने। देखिए जर्मनी जो है ना इस बार पूरे वर्ष G7 की बैठक की मेजबानी करने वाला है। पिछली बार UK ने किया था, इस बार जर्मनी कर रहा है। अभी ये कृषि मंत्रियों की वर्चुअल बैठक क्यों बुलाई गई? तो इसके पीछे का रीजन था वही रसिया यूक्रेन वार। देखिए रसिया और यूक्रेन वार का अभी मैंने आपको बताया कि ऐसा नहीं है कि केवल रसिया और यूक्रेन पर ही इफेक्ट देखने को मिलेगा, पूरी पूरी यूरोपियन कंट्रीज पर देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा व्यापार थे, ट्रेड डील हुआ करती थी यूरोपियन कंट्रीज से। तो इस G7 की जो ये बैठक है इसमें यही देखा जाएगा, इन्हीं मुद्दों पर विचार किया जाएगा कि क्या करें, अब तो संक्षिप्त लगा दिए, अब क्या करें कि कैसे बचे भैया, जो इफेक्ट देखने को मिल रहा है कृषि सेक्टर में, खाद्य सेक्टर में, इनसे कैसे बचा जाए, इसका उपाय क्या निकाला जाए, अब किससे खरीदे। देखो अमेरिका है बहुत ज्यादा चालू, वो क्या किया, सैंक्शंस लगाता चला गया और कहा तुम भी लगाओ, तुम भी लगाओ, तुम भी लगाओ, सबसे लगा दिया। और अभी आप कल जो बाइडन का बयान सुनो, जो बाइडन क्या कह रहे हैं, पहले तो कहे कि हम तेल और गैस पर भी प्रतिबंध लगा दिए रसिया पर, चलो ठीक है लगा दिए, अब क्या कह रहे हैं कि अमेरिका जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है तेल का, गैस का, तो दुनिया भर के देशों को हमसे खरीदना चाहिए, रसिया के पास क्यों जा रहे हैं बताओ। इतना चालाक, इतना स्वार्थी देश, बताओ इसको क्या बोलें। इसके लिए दो दो शब्द आप सभी लोग लिखेंगे जो बाइडेन के लिए। चलिए फिलहाल यहाँ पर हम लोग देखेंगे रसिया यूक्रेन के बीच में, देखिए ये व्यापार जो रूस से थे इसकी वजह से इफेक्ट देखने को मिला हुआ है, तो इस वजह से ये वर्चुअल बैठक बुलाई जा रही है। ओके, वैसे तो अभी G7 की जो बैठक होने वाली है ना ये जून में होने वाली है और जर्मनी में होगी, जून में होगी, तो 20 से 22 जून के बीच में होगी ये G7 की बैठक। पिछली बार वाली कहाँ पर हुई थी? यूके में हुई थी, यूके में, ठीक है, कार्निवाल में। बर्लिन आप देखेंगे यहाँ की राजधानी है जर्मनी की, ये है जर्मनी यूरोपियन कॉन्टिनेंट में। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं फ्रैंक वाल्टर स्टीनमियर, लेकिन प्रेसिडेंट उतना इंपॉर्टेंस रखते नहीं है, यहाँ पर चांसलर होते हैं, ठीक है, कौन होते हैं, चांसलर। अभी आपने देखा चांसलर अभी तक कौन थी, 15 सालों से कौन थी, एंजेला मार्केल, लेकिन अभी नए चांसलर कौन बने हैं, ओलाफ, ओलाफ स्कॉल्स, ओलाफ
स्कॉल्स, ये बने हैं न्यू चांसलर, तो इनका नाम आपको याद रखना है, यही है इंपॉर्टेंट। यूरो, जितने भी यूरोपियन देश हैं मतलब ईयू के सदस्य देश हैं, ईयू यूरोपियन यूनियन के सदस्य देश हैं, उनकी करेंसी यूरो होती है, ठीक है ना। कभी आपको समझा दूंगा कि ये डील ही इसी पे हुई थी, पूरा एक करेंसी एक व्यापार। फिलहाल अगर आप आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपको चाहिए स्कोर 50 में 50 जीएस में, तो आप इस बैच को ले सकते हो। पूरा बहुत ही स्ट्रेटजी के साथ तैयारी कराई जा रही है, जो बच्चे इसको लिए हुए हैं बिल्कुल इससे संतुष्ट है, और लगातार इसमें वीडियोज ऐड हो रही है। अभी कल ही इसमें 4 वीडियो ऐड हुई है, बहुत तेजी के साथ ये कोर्स चल रहा है, समय से पहले समाप्त होगा, उसके बाद इस पर प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। हर एक टॉपिक कैसे आपका जीके जीएस एक एक वाइड सिलेबस है आपका जो एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए, वो एक एक पॉइंट आपको बताया जाएगा, इसमें पढ़ाया जाएगा एक एक चैप्टर बहुत ही डिटेल्स के साथ, बहुत ही अच्छे तरीके से याद करवाने की जो टेक्निक होती है उन सब के साथ में ये वीडियोस अपलोड हो रही हैं लगातार। तो जिनको जिनको लेना है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का बैच ले सकते हो, इस पे कोई डिस्काउंट नहीं है। और अच्छा हाँ, एक चीज और, समय बहुत कम बचा हुआ है, आपका समय गिनती का बचा हुआ है, एग्जाम्स बहुत जल्द होने वाले हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा और व्हाट्सएप का नंबर भी। अगला, हाल ही में कितनी महिलाओं को वर्ष 2020 और 2021 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया गया? तो देखिए 2020 के लिए, बहुत ही ध्यान से समझिएगा ये क्वेश्चन, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आपको हो सकता है। ये पूछा गया क्वेश्चन 2020 और 2021 में कितनी महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया, तो इसमें आ जाएगा आंसर 29। कुल 29 महिलाओं को सम्मानित किया गया है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि टोटल कितने पुरस्कार दिए गए अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे 28 पुरस्कार दिए गए, ठीक है ना। रामनाथ कोविंद जी ने, जो कि हमारे माननीय प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने 28 पुरस्कार दिए हुए हैं 2020 और 2021 के लिए। अब इस 28 में 14 तो था दोस्तों 2020 के लिए और 14 था 2021 के लिए, ध्यान रखिए फिर से, ये दोनों जो थे वो पुरस्कार थे, लेकिन ये 14-14 पुरस्कार कितनी महिलाओं को दिया गया, 29 महिलाओं को। क्यों, कैसे भैया, क्यों नहीं हो सकता, एक पुरस्कार किसी दो महिला को नहीं दिया जा सकता? बिल्कुल, दो महिलाओं को हो सकता है, दो महिलाओं का कोई संगठन हो, ठीक है ना, तो उनको भी मिला है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, अगर आपसे क्वेश्चन यहां से पूछा जाए, देखिए यहीं पर एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा आपको, अगर क्वेश्चन वो पूछता है आपसे कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने नारी शक्ति पुरस्कार के तहत कितने नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किए, तब तो आप बताओगे कि 2020 के लिए अगर स्पेसिफिकली पूछा गया है तो 14-14 बता दोगे। अगर पूछा जाएगा कि अभी हाल फिलहाल में कितने नारी शक्ति पुरस्कार दिए, तो आप बताएंगे 28 पुरस्कार दिए, लेकिन अगर पूछ लिया कितनी महिलाओं को दिया गया, तो आप बताओगे 29 महिलाओं को दिया गया, ठीक है, कंफ्यूजन अब तो नहीं रहेगा। ओके, तो ये हैं हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी। अभी दोस्तों नई दिल्ली में जो राष्ट्रपति भवन है वहीं पर महिला दिवस के अवसर पर, यानी 8 मार्च को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, क्लियर है, यहाँ पर पूरा डिटेल्स लिखा गया है, महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में उनके उत्कृष्ट और असाधारण कार्यों और जो भी प्रदर्शन रहा है उसके लिए सम्मानित करने के लिए दिया गया है ये पुरस्कार, क्लियर। अगला देखते हैं, किस बैंक ने वित्तीय धोखाधड़ियों की कार्य प्रणाली संबंधी पुस्तिका बी अवेयर लॉन्च की? अभी हाल ही में आरबीआई ने दोस्तों बी अवेयर लॉन्च किया है, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बी अवेयर इसलिए लॉन्च किया है, जो फाइनेंशियल ग्लिच हो जाता है लोगों के साथ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी की उनसे धोखाधड़ी हो जाती है, जो लोग भोले भाले ग्राहकों को बेवकूफ़ बना देते हैं पैसा के लेन देन के मामले में, तो ऐसी धोखेबाजियों से बचने के लिए बी अवेयर नाम की एक पुस्तिका लॉन्च की है। इसमें पूरा डिटेल्स लिखा गया है कि कैसे कैसे तरीके होते हैं, मतलब चोरी करने के तरीके बताए गए हैं कि आपको कैसे कैसे बचना है, ठीक है ना। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने ये पुस्तिका लॉन्च की है, और भारतीय रिजर्व बैंक की जिम्मेदारी भी बनती है भाई, सेंट्रल बैंक है इंडिया का। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में बेसिक चीजें तो आप जानते ही हो, स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को स्थापित हुआ था, और आगे चल करके इसको 1 जनवरी 1949 को नेशनलाइज कर दिया गया। हेडक्वार्टर कहाँ पर पड़ता है, मुंबई में पड़ता है, और इसके इसके अभी गवर्नर कौन है, 25वें नंबर के नंबर के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, तो ये हैं गवर्नर, इनका नाम आपको याद रखना है। सेंट्रल बैंक है ये, भारत का बैंकों का बैंक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में गूगल क्लाउड ने अपनी नवाचार और क्लाउड रणनीति में तेजी लाने के लिए किससे समझौता किया? तो गूगल क्लाउड ने अभी हाल ही में फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है, या कहें फ्लिपकार्ट ने एक्चुअली में गूगल क्लाउड के साथ समझौता किया है, ठीक है ना, क्योंकि जरूरत तो फ्लिपकार्ट की है।
फ्लिपकार्ट को क्यों क्या जरूरत है? फ्लिपकार्ट चाहता है कि हमारे पास ऐसा गूगल क्लाउड हो, ऐसा क्लाउड हो जिसका यूज करके हम अपने इनोवेशंस में तेजी ला सके, जो स्टोर कर सके 20 करोड़ खरीदार और लाखों विक्रेता जो होते हैं उनके डेटा को, और जिससे जिससे हमारा इनोवेशन जो हो और क्लाउड जो टेक्निक हो उसमें तेजी आ सके। तो फ्लिपकार्ट ने गूगल क्लाउड के साथ समझौता किया हुआ है ये। ओके, फ्लिपकार्ट के बारे में अगर बात करें, 2007 में स्थापित हुआ था ये, सचिन बंसल और बिन्नी बंसल, याद ही होगा आपको, दोनों ने स्थापित किया था। आगे चल करके 2017 में ये कंपनी बिक गई थी। 2017 में ये कंपनी किसको बेची गई? वॉलमार्ट को। वॉलमार्ट को इसने 70% हिस्सेदारी बेची हुई थी $16 बिलियन में, 16 अरब डॉलर में बेची हुई थी। और अभी वॉलमार्ट के पास हिस्सेदारी कितनी है? 81.5% की हिस्सेदारी है। कुछ पहले भी था, कुछ इसके बाद भी हिस्सेदारी बढ़ाई गई। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है, CEO है कल्याण कृष्णमूर्ति। गूगल इसकी स्थापना 1998 में हुई थी, कैलिफोर्निया में हेडक्वार्टर्ड है, और सुंदर पिचाई इसके हैं CEO। सुंदर पिचाई से याद रखना, इस बार इनको पद्म भूषण मिलेगा। क्या मिलेगा? पद्म भूषण घोषणा हो चुकी है। ओके, इनको भी मिलेगा और सत्या नडेला को भी मिलेगा। तो बस दोस्तों, ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप 10 शानदार क्वेश्चन। आई होप आपको आई होगी वीडियो पसंद। तो टॉप 10 क्वेश्चंस ऐसे ही रोजाना देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और आप देखिए करंट अफेयर जो है ना, बहुत ही आसान तरीके से आपको मैं बताने का प्रयास किया करूंगा अगर आप जुड़े रहेंगे चैनल से। तो वीडियो को शेयर भी कर दिया करो, थोड़ा सा हमारी भी हेल्प करो। आपका ही चैनल है, 5 लाख के करीब हम लोग एकदम पहुंच ही गए हैं। शेयर करो, सब्सक्राइब करवाओ जल्द से जल्द, ठीक है ना। चलिए तो बात करेंगे अब क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए, निम्न में से कौन सा देश FATF की ब्लैकलिस्ट में शामिल है? अभी आप वीडियो ध्यान से देखे होंगे तो बताया था मैंने, भारतीय एयरटेल की स्थापना कब हुई थी। दोनों क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, दोनों के बारे में जो पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। ई बुक और कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू हो, कोई भी जानकारी चाहिए, MCT ऐप डाउनलोड कर लो गूगल प्ले स्टोर से, या फिर आप इस व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हो। तो इस व्हाट्सएप पर आप व्हाट्सएप करोगे तब भी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। हमारे और भी बैचेज हैं, आप इनके बारे में भी जानकारियाँ ले सकते हैं। सामान्य ज्ञान का बैच बहुत ही शानदार बैच है, GS की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं स्पेशल तो आप कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, अगर आप वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।